हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्राची आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल झटपट क्लास में। सो फ्रेंड्स, रीजनिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मुझे बहुत पसंद है रीजनिंग, आपको भी आई होप पसंद ही होगा, क्योंकि ये जो रीजनिंग है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सो, जैसे कि आपका SSC हो गया, रेलवे BEd हो गया, बैंक हो गया, सभी में रीजनिंग ज़रूर आपको मिलेगा। और चूंकि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कई टाइप्स होते हैं, कई पार्ट होते हैं। मैंने आपको आगे के वीडियो में भी बताया कि किस किस टाइप की रीजनिंग आती है। तो आज मैं आपको वर्बल के अंदर ये अल्फ़ाबेट रीजनिंग जो है, इससे रिलेटेड आपको आगे एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ बेसिक बताना चाहूँगी। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे ये हमने चार्ट बना रखा है अल्फ़ाबेट नंबर A to Z, तो ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। बट अभी आपसे 20 से पूछ लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आई किस नंबर पर होता है, एन किस पर होता है, तो ऐसे आप नहीं बता पाएंगे। ये सारी चीज़ें रीजनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो ए नंबर 1 पे, जैसे बी 2 पर, सी 3 पर, इसी तरीके से जेड 26 नंबर पर, वाई 25। तो इस टेबल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। सो आप इसको रट डालिए। फिर हम आगे देखते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट, अपोजिट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आप लर्न कर लेंगे, बस मुश्किल से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, अल्फ़ाबेट रीजनिंग आपके लिए हलवा हो जाएगी। अब जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, E का V, F का U, G का अपोजिट T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। तो ये अल्फ़ाबेट अपोजिट है। ये दोनों चार्ट आप इनको रट डालिए। अब मैं आती हूँ एक्सरसाइज पर। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, जिसे हम लेफ्ट कहते हैं, से 10वें अक्षर के दाएं, जिसे हम राइट कहते हैं, तरफ 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि जब हम लेफ़्ट चलते हैं तब हम ए की तरफ से स्टार्ट करेंगे, और जब हम राइट चलते हैं तब हम जेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तरफ 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो लेफ़्ट से जब हम जब चलते हैं ए से, तब हमारा 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है, जे। फिर उसके दाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हम चलेंगे जब, तब हमारा 7वां अक्षर क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। ये आप टेबल में पीछे देख भी सकते हैं। तो अब क्यू आएगा, तो इसका आंसर तो क्यू हो गया। लेकिन हम आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्योंकि इस तरह से पूरा काउंट करने में आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे कम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है और हमें फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे कि जब लेफ़्ट और राइट पूछा जाए, तब हम इसको जोड़ देते हैं, या राइट और लेफ़्ट पूछा जाए तब भी हम इसको प्लस कर देते हैं, मीन्स जोड़ देते हैं। उसी तरीके से जब राइट और राइट होता है तब हम इसको माइनस कर देते हैं, और लेफ़्ट होता है तब हम इसको माइनस कर देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लर्न कर लीजिए। जैसे जब लेफ़्ट एंड राइट होता है तब इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, बाई मीन्स लेफ़्ट आपका कितना है, लेफ़्ट है आपका 10, और फिर दाएं तरफ यानी राइट आ गया। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए ये वाला है लेफ़्ट एंड 10+7 आपका कितना आ गया, 17, और हमारा क्यू जो है वो किस नंबर पर है, 17 पर। तो हमारा आंसर हो गया क्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाएं तरफ 6वां अक्षर कौन सा है। तो इसमें वही ट्रिक होगी, जैसे कि दाई है तो हम इसमें राइट हैंड साइड
से चलेंगे, मींस हम जेड से चलेंगे, तो राइट प्लस लेफ्ट ये हो जाएगा प्लस, इनको हम जोड़ देते हैं तो 20 + 6 बराबर हो गया 26। जब आप इधर से चलेंगे तब आपका क्या आएगा, ए, तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 20वें अक्षर के दाईं तरफ 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका राइट और दूसरा ये क्या है राइट, तो जब राइट और राइट होंगे तब ये माइनस घट जाएंगे, तो 20 - 7 कितना होगा आपका 13। चूँकि हमें जेड से चलना होता है लेफ्ट राइट हैंड से, तो जेड से जब हम चलेंगे तब आपका 13 पर काउंट करने से क्या आएगा, एन आएगा, तो एन इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 15वें अक्षर बाईं पूछा गया है, तो बाईं मतलब लेफ्ट, ठीक है लेफ्ट, फिर इसमें लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट हो गया तब ये घट जाता है, माइनस हो जाता है, तो बाईं से 15वें अक्षर, तो 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 नंबर पर आपका क्या आता है, ए से हम जब चलेंगे तब आपका आएगा जे, तो जे इज़ अ राइट आंसर, जे इज़ अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बॉक्स में भी आप हमें लिख सकते हैं आपको कैसा लगा। साथ ही मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी और आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो चिल्ड्रेंस, टेक केयर, बाय बाय।